आज है नवरात्रि का तीसरा दिन। 2 दिन बीत चुके हैं, आज तीसरा दिन भी मैं उपवास कर रहा हूँ। लेट्स सी मैं 9 दिन कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। मेरी कोशिश है कि 9 दिन उपवास करूँ, पर पता नहीं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, आई डोंट नो, बट मुझे करने की इच्छा है इस बार। आज है तीसरा दिन और आज के दिन ग्रीन कलर पहनते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर का पहना हुआ है कपड़ा, और मेरे घर में भी सब लोगों ने लगभग ग्रीन कलर पहना हुआ है। और आज का वीडियो मेरा कुछ खास है। आज के मैं कुकिंग तो करूँगा, बट कुकिंग में मैं सिंघाड़े का आटा का पराठा और सब्जी ही कुक करूँगा, सो इसलिए उस कुकिंग को मैं नहीं दिखाऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपने फर्स्ट ब्लॉग में, जो नवरात्रि का फर्स्ट ब्लॉग है, उसमें दिखा चुका हूँ, और इसलिए उसको फिर से दिखाने का कोई सेंस नहीं बनता है। सो आज का वीडियो में मैं कुछ खास चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपको नवरात्रि में क्या क्या खाना चाहिए। जनरली सबके दिमाग में डाउट रहता है, मेरे भी पहले बहुत डाउट रहता था कि नवरात्रि में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और आप इसका एक लिस्ट बना के चाहे रख लीजिए कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इसकी लिस्ट बना के रख लीजिए, मैंने भी बना के रखी है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि भूल जाता है। वैसे जनरली याद रहता है, बट भूल भी जाता है। सो कुछ चीज़ों में डाउट आ जाता है कि कौन से मसाले खाएँ, कौन से ड्राई फ्रूट्स खाएँ, कौन से फल खाएँ, कौन सी सब्ज़ी खाएँ और कौन सा आटा खाएँ। सो कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए लिख के रखना ही बेहतर होता है। सो मैंने भी लिख के रखा है, तो मैं 1 बाई 1 बताऊंगा कि आपको कौन से आटे खाने चाहिए, कौन सा चावल खाना चाहिए, कौन सा तेल खाना चाहिए, कौन सा घी खाना चाहिए, कौन सा क्या खाना चाहिए। सो ये खास है, इसको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए हम मेरा मंदिर, सुबह हमने पूजा किया, मंदिर मैंने काफ़ी अच्छे से सजाया है और खुशबू वाले सारे फूल लगाए हुए हैं। आपको जूम करके थोड़ा सा दिखाता हूँ तो आपको समझेगा, इसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मंदिर काफ़ी अच्छे से मैंने सजाया है, सुबह पूजा किया है और अभी खाने की तैयारी होने वाली है। सो सबसे पहले चालू करते हैं आटे से, कौन कौन सा आटा आप खा सकते हैं। सो मैं बता दूं आपको, सिंघाड़े का आटा, सिंघाड़ा क्या होता है, हिंदी में सिंघाड़ा बोलते हैं और अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है उसको आपके यहाँ क्या बोलते हैं, तो आप नेट पे सर्च कर लेना सिंघाड़ा को क्या बोलते हैं। तो सिंघाड़ा का आटा मार्केट में इजली मिल जाता है, तो आप सिंघाड़े का आटा खा सकते हैं। कुट्टू का आटा, कुट्टू होता है उसका आटा खाया जाता है। राजगीरा होता है उसका आटा खाया जाता है। राजगीरा को अमरनाथ भी बोलते हैं कहीं कहीं पे, और भी बहुत सारे नाम हैं। सो राजगीरा उसका स्टैंडर्ड नेम है हिंदी, तो उससे आप सर्च कर सकते हैं। राजगीरा का आटा खाया जाता है। और साम चावल का आटा होता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ 1 मिनट कि वो कैसा होता है। समक आटा होता है, इसको समक बोलते हैं हिंदी में, मराठी में इसको भागर बोलते हैं और बहुत कुछ कुछ बोलते हैं। तो इसको ये मैं दिखाता हूँ, ऐसा होता है। एक बार ये देखिए समक आटा, और ये बिग बाज़ार पे मिलता है। और हमारे यहाँ यूपी में इसको तिन्नी के चावल बोलते हैं, तिन्नी का चावल। ईस्टर्न यूपी में तिन्नी का चावल का आटा बोल सकते हो। तो इसका आटा भी आता है, ये खा सकते हैं आप। साबुदाना का आटा खा सकते हैं, साबुदाना खाया जाता है। सो ये सारे आटा खा सकते हैं। इवन समक चावल भी खाया जाता है, जिसको तिन्नी का चावल बोलते हैं, इसको एज ए राइस आप यूज कर सकते हैं। सो ये सारे आटा चाहे आप अकेले खा सकते हैं, चाहे मिला के खा सकते हैं। इनके बहुत सारी रेसिपी बनती है, जैसे उस दिन मैंने पराठा बनाया था, तो उसमें भी राजगीरा का आटा, सिंघाड़े का आटा और ये समक का आटा का मिक्स था। ये भी रेडीमेड आता है आटा इस तरह का बिग बाज़ार पर, और नहीं तो हम दुकान वाले भी जनरली रखते हैं इस तरह से। ये देखिए उपवास आटा करके आता है। सो ये आटा आप खा सकते हैं उपवास में, नवरात्रि के उपवास के लिए। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, ये नवरात्रि के उपवास के लिए। डिफरेंट उपवास के डिफरेंट रूल होते हैं, ध्यान रखना आप। तो ये नवरात्रि के लिए है, तो ये नवरात्रि में ये सब अलाउड होता है। और ड्राई फ्रूट्स आप सारे खा सकते हैं, काजू बादाम जो भी है ड्राई फ्रूट्स अलाउड होता है। मखाना खाना अलाउड होता है। और आपको बता दें कि मिल्क के सारे प्रोडक्ट अलाउड होते हैं, मिल्क खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, चाय पीना अलाउड होता है। अदरक वाली भी चाय पी सकते हैं, अदरक भी खाना अलाउड होता है। सो चाय सारी पी सकते हैं आप और मूंगफली खा सकते हैं, मूंगफली अलाउड होती है तो मूंगफली खा सकते हैं। और मसाले में ख़ास करके मसाले में डाउट होता है कि जब आप सब्ज़ी बनाने जाते हैं कौन कौन सी सब्ज़ी खा सकते हैं, कौन कौन से मसाले सब्ज़ी में मिला सकते हैं, तो मसाले में बता दूं आपको कौन कौन से मिला सकते हैं। सो मसाले में आप यूज कर सकते हैं जीरा, काली मिर्च, नमक में सीधा नमक, नॉर्मल नमक नहीं यूज करना है, सीधा नमक यूज करना है, और छोटी इलायची यूज कर सकते हैं, लौंग यूज कर सकते हैं, दालचीनी यूज कर सकते हैं, जायफल यूज कर सकते हैं, अनारदाना यूज कर सकते हैं आप, अदरक यूज कर सकते हैं, हरी मिर्च यूज कर सकते हैं, अजवाइन यूज कर सकते हैं, हरी धनिया यूज कर सकते हैं। धनिया पाउडर अलाउड नहीं होता, ये ध्यान रखना। हरी धनिया यूज कर सकते हैं पर धनिया पाउडर नहीं। पुदीना यूज कर सकते हैं, कड़ी पत्ता यूज कर सकते हैं, आमचूर यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मसाले में आप यूज कर सकते हैं। तो इतना सारा मसाला अलाउड है, और क्या चाहिए आपको। और चीनी खा सकते हैं आप, शहद खा सकते हैं, गुड़ खा सकते हैं, कोकम यूज कर सकते हैं, नींबू का रस यूज कर सकते हैं, कोकोनट यूज कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और ये सारे मसाले और ये सारा आटा हो गया, इतनी सारी चीज़ें हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। इवन इनका यूज करके आप केक बना सकते हैं घर पे अपने, सब्जियां तरह तरह की बना सकते हैं इन मसालों का यूज करके, पराठे बना सकते हैं तरह तरह के आप, क्योंकि आलू भी अलाउड होता है, आलू खाया जा सकता है। अब मैं सब्जियों में बता देता हूँ आप क्या क्या खा सकते हैं। सो सब्जियों में आप जो जो खा सकते हैं उसमें है आलू, पेठा, पम्पकिन, शकरकंदी, अरवी। अरवी की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, अरवी खा सकते हैं, सूरन, कच्चा केला, कच्चा पपीता, पका पपीता भी खा सकते हैं, ग्रीन टोमेटो भी खा सकते हैं, लौकी भी अलाउड होता है खाना, कोई कोई लोग नहीं खाते हैं पर लौकी भी खा सकते हैं, गाजर खा सकते हैं, खीरा खा सकते हैं। अब तेल में आप मूंगफली का तेल यूज कर सकते हैं या देसी घी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और मूंगफली का तेल जनरली अगर घर का पिसवाया हुआ है तो यूज करें, बाहर वाले में क्या होता है कि वो बहुत सारे प्रोसेस से उसमें बहुत कुछ लगा के होता है तो जनरली मिक्स हो जाता है कुछ ना कुछ, पर मूंगफली का तेल अलाउड होता है। नहीं तो देसी घी यूज कर सकते हैं, देसी घी अलाउड होता है। कुछ खास चीज़ें, हल्दी नहीं यूज करनी है क्योंकि हम हर सब्ज़ी में हर मसाले में हल्दी ज़रूर डालते हैं, दाल में सब्ज़ी में तो हल्दी डालने की आदत होती है, पर इसमें हल्दी नहीं, हल्दी नहीं खाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। धनिया पाउडर नहीं खाया जाता है, नहीं तो पता चले धनिया जीरा काली मिर्च डाल दिया, जीरा और काली मिर्च डाल सकते हैं, धनिया नहीं डाल सकते। इतनी सारी चीज़ें खाई जा सकती है नवरात्रि में, इन सारी चीज़ों का यूज करके आप पराठे, केक, खीर और हलवा सब कुछ बना सकते हैं। शकरकंदी का हलवा बहुत अच्छा बनता है, स्वीट पोटैटो जिसको बोलते हैं शकरकंदी को, शकरकंदी का हलवा बहुत अच्छा बनता है। सो आप शकरकंदी का हलवा बना सकते हैं, और आलू के मतलब आलू का कचालू बना सकते हैं, आलू और मूंगफली फ्राई करके साथ में खा सकते हैं घी के साथ, और आलू का पराठा बना सकते हैं, इसमें आटा जो है इस उपवास का आटा में डाल के आलू का पराठा बना सकते हैं अच्छा से, और हरी धनिया भी डालनी है, हरी मिर्ची भी डालनी है, तेल क्या चाहिए, तो बहुत कुछ कर सकते हैं आप उपवास में। खाने की बहुत सारी चीज़ें, बस नॉर्मल खाना थोड़ा सा अवॉइड होता है, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो खाई जा सकती है। सो इनका लिस्ट बना लीजिए आप लोग, अगर आपको कुछ भी डाउट हो कभी भी तो ये लिस्ट को रेफ़र करिए, क्योंकि साल में 2 बार ये नवरात्रि का उपवास आता है। एक तो मेन उपवास ये वाला आता है, नवरात्रि आती है जो दशहरा वाली होती है, एक आती है रामनवमी वाली जो शुरुआत में आती है मार्च अप्रैल के आसपास, वो वाली होती है। तो ये दोनों उपवास में अगर आप उपवास रखते हैं तो ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। तो जाइए नवरात्रि को एंजॉय करिए, और जो लोग नवरात्रि में उपवास नहीं भी रख सकते वो भी डिफरेंट टेस्ट के लिए, या जो भी दूसरे रिलीजन के लोग हैं जो मतलब आप, इसलिए अगर आप दूसरे रिलीजन के हैं तो आप इसको नहीं फॉलो करेंगे, मतलब इस फेस्टिवल के हिसाब से उपवास तो नहीं रखेंगे, बट हाँ आप खाने को तो एंजॉय कर सकते हैं। खाना तो कोई रिलीजन का नहीं है, सो खाना आप खाइए, और बहुत सारे मतलब ये सारे डिफरेंट टाइप के खाने भी आप एंजॉय कर सकते हो, उपवास हो चाहे ना हो, कुछ अलग टेस्ट आएगा, कुछ अलग मज़ा आएगा, और अलग अलग चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सो वैरायटी होनी चाहिए, हर तरह का खाना खाना चाहिए कि हर कंट्री के खाने खाना चाहिए, हर स्टेट के खाने चाहिए, हर फेस्टिवल के खाने चाहिए, हर रिलीजन के खानों को खाना चाहिए और देखना चाहिए क्या बेस्ट है। जब जब आप अलग अलग खाना खाएंगे तो आपको खाने का मज़ा अलग होगा और जब एक ही चीज़ खाएंगे रोज़ रोज़ तो आप बोर हो जाएंगे। सो डिफरेंट चीज़ें खानी चाहिए। फेस्टिवल्स इसीलिए होते हैं कि आप डिफरेंट मूड में आएँ, डिफरेंट तरह की चीज़ों को एंजॉय करें, अपने आप को मतलब अलग अलग कपड़े पहने, नए नए। फेस्टिवल का सबसे बड़ा मज़ा यही होता है, एक पूजा पाठ से ज़्यादा मज़ा ये होता है कि आप डिफरेंट तरह का टेस्ट की चीज़ें खाते हैं, सस्ते हैं, अपने नए कपड़े खरीदते हैं, पहनते हैं, घूमते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, तो मतलब आपका मूड चेंज होता है। तो फेस्टिवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं लाइफ में, क्योंकि ये हमारे जो बोरिंग रोज़ का शेड्यूल होता है उससे हमको कट करते हैं, कुछ नया हमारे लाइफ में लेके आते हैं। सो इन फेस्टिवल्स के सीज़न में आप चाहे उपवास रखें या ना रखें, या आप किसी और के रिलीजन के हैं या दूसरे रिलीजन के, किसी भी रिलीजन का फेस्टिवल हो, उसको सबको एंजॉय करना चाहिए, खाना चाहिए और उसकी तरह एंजॉय करना चाहिए, उस फेस्टिवल को उसी तरह मनाना चाहिए। सो जाइए फटाफट कुछ नई नई चीज़ें बनाइए। अगर मेरा फर्स्ट ब्लॉग नवरात्रि का नहीं देखा, उसमें मैंने साबूदाना की खीर और ये उपवास वाले आटे का पराठा, आलू का और सब्जी भी बताया था, तो उसको एंजॉय करिए और खाइए। और कल के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा साबूदाना की खिचड़ी बना के, साबूदाना की खिचड़ी कैसे बनाते हैं। बहुत सारे लोगों को साबूदाना की खिचड़ी बहुत पसंद होती है, चाहे उपवास हो चाहे ना उपवास हो, साबूदाना की खिचड़ी खाते हैं। मैंने देखा मेरे फ्रेंड्स में या इवन मेरी वाइफ किरण को भी साबूदाना खिचड़ी बहुत पसंद है। सो साबूदाना की खिचड़ी बहुत टेस्टी होती है, बिना उपवास के भी आप खा सकते हैं। तो कल के ब्लॉग में मैं साबूदाना की खिचड़ी बताऊंगा कैसे बनाना है, क्योंकि मैं कल साबूदाना की खिचड़ी बनाने वाला हूँ। सो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए कल का ब्लॉग ज़रूर मेरा देखिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज मेरा मकसद था इस ब्लॉग का कि मैं आपको बता सकूँ कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। सो मैंने एक बार बता दिया है, अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो रिवाइंड करके सुन लीजिएगा और इसकी लिस्ट बना लीजिएगा। तो मैं मिलूँगा एक और ब्लॉग या रेसिपी के साथ। हाँ, इस नवरात्रि के टाइम में मैं जब तक उपवास रखा हूँ नॉर्मल खाने शायद मैं नहीं बनाऊँगा, क्योंकि अगर मैं नॉर्मल खाने बनाऊँगा तो मेरे खाने की इच्छा जाग जाएगी, तो उपवास मेरा टूट ना जाए और टेस्ट भी मैं नहीं कर पाऊँगा एक्चुअली, क्योंकि खाना बनाते समय थोड़ा तो टेस्ट करना पड़ता है कि कैसा बन रहा है। सो इसलिए मैं नॉर्मल खाने इस 9 दिन में तो नहीं बनाऊंगा। जब तक उपवास, अगर जल्दी उपवास टूट गया तो बनाऊंगा, अदरवाइज़ आपको उपवास के कुछ खाने, इस तरह के खाने देखने को मिलेंगे इस 9 दिनों में। उसके बाद फिर मेरा फटाफट नई रेसिपीज़ आएंगी। पर जाने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और क्या करना है, खुश रहना है, सबको खुश रखना है, खाते रहना है, खिलाते रहना है। ये 2 लाइनें मेरी ज़रूर याद रखिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए और खाते रहिए और खिलाते रहिए। जिसको भी भूख है, जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जो गरीब है, जो अमीर, गरीब नहीं बोलने का, जो अमीर नहीं है, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है उनको खिलाइए, आपको खुशी मिलेगी। और जिनको मिल रहा है उनको भी खिलाइए, उससे भी खुशी मिलेगी। तो खाते रहिए, खिलाते रहिए, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। मैं मिलता हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।